नमस्कार, न्यूज लाइव फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगीता तिवारी। अब खबर है रांची मांडर से। मांडर के लोग प्यार बांटना जानते हैं। इनके सहयोग से ही लॉकडाउन हो या लॉ एंड ऑर्डर, सभी शांति से गुजरता रहा है। उक्त बातें मांडर पूर्व सीईओ शंकर कुमार विद्यार्थी ने अपने विदाई समारोह में कही। उन्होंने अपने स्थानांतरण को खुशी व गम बताते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व भाया मीडिया को दूरी व स्नेह मिटाने का साधन बताते हुए सभी से हमेशा जुड़े रहने पर आश्वस्त किया। उन्होंने अपनी खींची लकीर को पदभार देते हुए नए सीईओ विजय हेमराज खलखो से और भी अविस्मरणीय बनाने की अपेक्षा किया। नवनियुक्त सीईओ ने सभी को अपने कार्यों से जनहित में खरा उतरने की बात कही। मौके पर थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह, सीआई रमेश रविदास, अनीता देवी, सरिता एक्का, सेराफिना मिंज सहित अन्य मौजूद थे। और पूर्व के अंचलाधिकारी यानी मेरे विदाई समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित नए अंचलाधिकारी महोदय, प्रखंड प्रमुख अनीता देवी जी, हमारे मांडर थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह जी, हमारे पूर्व प्रखंड विश्वस्तरीय अध्यक्ष राम बालक ठाकुर जी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, मांडर प्रखंड एवं मांडर अंचल के सभी कर्मी और इस क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबर को अपने खबरों में समाहित करने वाले योद्धा यानी पत्रकार बंधु, मीडिया के भाई, मेरे यहाँ योगदान के 3.5 साल हो गए। किसी भी स्थान में बहुत लंबे समय तक रहना खुशी भी देता है और साथ में एक कमी को भी इंगित करता है। यह नौकरी राज्य स्तरीय नौकरी है तो इसमें नए नए जगहों को देखने का मौका मिले यह ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्थानांतरण एक खुशी की भी बात होती है और दुख की बात यही है कि आप लोगों का प्यार अब कुछ कम मिलेगा। आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भाया मीडिया सबका प्यार भी बढ़ता है, इसीलिए प्यार का कोई कमी नहीं होने जा रहा है। लेकिन आप लोग का साथ थोड़ा सा दूरी बढ़ गया है, यही अफसोस है। लेकिन आप लोग का प्यार कम नहीं होना चाहिए, मेरा यही अनुरोध है। मैंने क्या किया यह बहुत बड़ा बात नहीं है, असली चीज है कि आप सबका सहयोग मिला भरपूर यहाँ पर। मैंने जो भी किया लॉ एंड ऑर्डर का इशू में भी मैं पहुंचता था, बोलता था कि मान लीजिए बात, लाठी डंडा लिए हुए लोग होते थे। लेकिन हम हो गए, वीडियो साहब हो गए, थाना प्रभारी हो गए, पत्रकार बंधु भी होते थे और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो भी होते थे और लाठी डंडा से लैस लोग भी मान लेते थे बात को। तो यह उनकी उपलब्धि होती थी, वह हमारी उपलब्धि नहीं है। यहाँ के लोग प्यार बांटना जानते हैं, प्यार देना चाहते हैं। कभी भी आप दंगों का इतिहास देखिएगा, मांडर में कोई दंगा नहीं होता है। तो यह मांडर का गौरवशाली इतिहास है, हमारा बहुत कुछ किया धरा नहीं है, सब पब्लिक का किया धरा है। तो हमारा जो प्यार है, आपका सहयोग है, वह हमेशा रहे। हमारे नए अंचलाधिकारी महोदय मुझसे भी बहुत अच्छा बेहतर काम करेंगे और हम जो लकीर बनाए हैं बता दें मोटा पतला, इसका आकलन तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे जो नए अंचलाधिकारी महोदय हैं निश्चित रूप से उस हमारे लकीर को छोटा करेंगे और अपना लकीर को गहरा और मोटा बनाएंगे, यही मेरा शुभकामना है। दुख का घड़ी स्थानांतरण दुख का घड़ी होता है, बिछुड़ने का घड़ी होता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए सामान्य बात है और स्थानांतरण होना भी चाहिए। मुझे भी लगता है कि नए नए चुनौती का सामना करना चाहिए। जब मैं छोटा था तो मुड़मा जत्रा के बारे में सुनता था और मुड़मा जत्रा का गाना नागपुरी, ठीक है। जब पोस्टिंग हुई तो खुद ही ड्यूटी में पहुंच गया मुड़मा जत्रा,
वो भी मुड़मा जत्रा ऐसा कि 4 साल लगातार मुड़मा जत्रा में ड्यूटी, ठीक है ना। इस तरह से झारखंड में और भी क्षेत्र है, और भी जगह है, तो लोगों को सौभाग्य मिलना चाहिए सब जगह देखने के लिए। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी खुशी भी है, ठीक है। लेकिन ज्यादा आप लोग बच नहीं सकते हैं। मैं जब यहाँ नवनियुक्त था, मैं यहाँ अधिकारी था और आप मेरे रैयत थे, भाई बहन थे, लेकिन मेरे रैयत भी थे। इसीलिए मैं किसी के घर जाता नहीं था, लेकिन अब कोई नहीं बचिएगा, सबके घर मेरा चाय नाश्ता होगा बारी बारी से। इसीलिए आप लोग के लिए दुख का बात हो जाएगा भाई। राजू जी 3.5 साल से दुष्का खस्सी खिलाते रह गए, लेकिन अब तो बचेंगे नहीं, अब तो बचेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, हम एक तरह से हमारा स्थानांतरण हुआ है। तो जिस दिन नोटिफिकेशन निकला, तो हमारे एक साथी हमको कॉल किए कि 8-10 किलोमीटर जाने में आपको 8 महीना लग गया। हम बोले देखिए भाई, सब सरकारी प्रक्रिया है, आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए, लेकिन बगल में गए, खुशी का भी बात है, ठीक है। घर परिवार के साथ में आदमी रहना चाहता है। और मैं शुभकामना देता हूँ हमारे नवनियुक्त अंचलाधिकारी महोदय और हमारे सीनियर भी हैं, बैच वाइज हमारे सीनियर भी हैं। तो मैं सर को शुभकामना देता हूँ और मेरे बनाए जो नियम कानून है, अब तो सर के हिसाब से चलेंगे। तो पब्लिक को, प्रखंड कर्मियों को, अंचल कर्मियों को मैं उम्मीद करता हूं कि सर का प्यार मिलता रहेगा और सर मेरे द्वारा खींची गई लकीर को और मोटी और गहरी करेंगे। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शंकर सर के साथ मैंने 2 इलेक्शन बहुत ही शांति से निकाला। इनका हर छोटी मोटी जमीन का विवाद हो या रोड में समस्या हो, जाम की समस्या हो, एक फोन पर तुरंत ही ये पहुंच जाते हैं। दिलाता हूं कि मेरे ओर से इसकी कोई कमी नहीं रहेगी और आप सभी से भी पूर्ण सहयोग की कामना करता हूं कि जिस तरह से आपने विद्यार्थी जी को सहयोग किया, वैसे मुझे भी सहयोग करेंगे। और हर वक्त हर जगह आप अपने काम के लिए, अपने सही कार्य के लिए मुझे हाजिर पाइएगा। खुशी का दिन भी है और अच्छा भी नहीं लग रहा है और खराब भी लग रहा है कि आज हम सब इतने साथ सीओ साहब के साथ में थे और आज अचानक हम सब से वो बिछड़ के दूर ये हो रहे हैं। पहले सामने ही जा रहे हैं, लेकिन एक लग रहा है कि हम सब से कुछ चीज छूट के जा रहा है। एक परिवार की तरह हम सब प्रखंड परिवार में थे, कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम प्रमुख है, वीडियो है या सीओ है, हम सब एक साथ रहते थे। कभी प्रखंड में कभी अनबन किसी टाइप का हम सब में नहीं हुई, एक परिवार टाइप का हमें हम सबको लग रहा था। और इतने दिन हमारे सीओ साहब हम सब से रहे, इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर कुमार विद्यार्थी को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो 3.5 साल में जो अपना कार्यभार हम लोगों को पूरा 19 पंचायत को बहुत ही भली भांति संभाला, हम लोगों को बहुत ही मुसीबत घड़ी में ही हमारे थाना प्रभारी, हमारे अंचल पदाधिकारी इस कोरोना काल में बहुत ही सहयोग किए, जैसे मजदूरों को खाने पीने की भी व्यवस्था किया, राहत पहुँचाया। अभी इस घड़ी में हम लोगों को बहुत ही दुखित लग रहा है कि हम लोग इस अनमोल हीरा को हम लोग खो दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ दुख लग रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीओ साहब जहाँ भी जा रहे हैं हमारे बुंडू प्रखंड में, गुड़मू प्रखंड में हमेशा खुश रहें। जिस प्रकार मांडर प्रखंड को तरक्की विकास के दर लहराया।